सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल चौटानी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, वही हमारे पास चर्चा करने लायक अध्यात्मवाद ही है या मेडिसिन्स के बारे में बताते हैं हम आपको। अध्यात्मवाद के बारे में चर्चा करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का ये समझ लीजिए पार्ट वन है कि आत्मा क्या होती है। इंसानी शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसे हम चेतना भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर होती है। और ये आत्मा ईश्वर की रचना है जो शरीर, बुद्धि और मन के द्वारा कर्म करती है और कर्म फल भोगती है। यानी दिखता तो हमारा शरीर है, लेकिन असल में होती ये हमारी चेतना या आत्मा है जो सिर्फ शरीर को यूज करती है। और ये आत्मा क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों के अंतर्गत सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, सफलता असफलता इत्यादि कर्म फल के रूप में प्राप्त करती है। यानी जैसा कर्म हम करते हैं पूर्व जन्म में, प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें सुख दुख लाभ हानि यश अपयश के रूप में मिलता है। अब ये आत्मा चेतना जिसे कहते हैं, शारीरिक बल, बौद्धिक क्षमता और मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अच्छे और बुरे कर्म करती है। लेकिन ये शारीरिक बल पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला, बौद्धिक क्षमता भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिली, अच्छी बुद्धि है या मंद बुद्धि है, मानसिक शक्ति वो भी एक कर्मों के फल स्वरूप मिली। इसलिए इंसान का जीवन अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण होता है। अब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इतना सदकर्म करती हैं, उसके फल स्वरूप वो ईश्वरीय शक्ति, यानी जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, राधा स्वामी बोलते हैं, निरंकार बोलते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करती है और कर्म फल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। यही कई वेदों में भी लिखा है, हर जन्म में, हर धर्म में, देखो जैन में है, बौद्ध धर्म में है, निर्वाण प्राप्त करने की विधियां बताते हैं कि मोक्ष कैसे लिया जाए। ये जो पृथ्वी है ये दुखों का कहते घर है। यानी गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सभी इंसान किसी ना किसी कारण से दुखी रहता है। तो इंसान का एक तो ये लक्ष्य हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और इसके अलावा देखिए, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको हम बोलते हैं, वाहेगुरु है, कई नाम हम उसको बुलाते हैं, उस शक्ति को जिसने पूरी सृष्टि बनाई, वो भी चाहती है कि इंसान उसको जाने, माने, प्यार करे। इसलिए हम क्या करते हैं, गुणगान करते हैं उसका। हम उसकी चापलूसी नहीं करते, लेकिन हम गुणगान करते हैं, उसके गुणों का व्याख्यान करते हैं। इसलिए क्या करते हैं ईश्वर, हमें ये पता कैसे चलता है, जब ईश्वर महान आत्माओं को धरा पर भेजता है और उनके माध्यम से अपने बारे में ज्ञान करवाता है। देख लीजिए, ईसा मसीह जी आए, हजरत मोहम्मद जी आए, यानी इन सभी ने, शंकराचार्य जी आए, यानी हमारे सनातन धर्म में तो बोलते हैं कि अवतार आए, तो इन अवतारों ने पृथ्वी पर अवतरित होकर हमें ईश्वर का ज्ञान दिया। भगवान शिव तो खुद प्रकट हुए थे। अब जब वो ज्ञान हमें मिलता है, हम ज्ञान पाते हैं इंसान, तो वो नियम बन जाते हैं और जो नियम मिलकर एक धर्म का रूप फिर धारण कर लेते हैं। जैसे सिखों में गुरु नानक देव जी आए, मुस्लिम में हजरत मोहम्मद जी आए, क्रिश्चियन में ईसा मसीह जी आए, जब उनके उन्होंने प्रचार किया ईश्वर का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, गॉड का, तो वो नियम बन गए और नियम क्या बन गए, धर्म बन गए। तो वास्तव में उस एक ईश्वर का, जिसे हम सभी नामों से, विभिन्न नामों से पुकारते हैं, उसका कर्म फल देने का आधार तो केवल एक है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार
अपने लिए आप दूसरों से चाहते हो, जो आप नहीं चाहते वो दूसरों से ना करो। हम अपने लिए क्या नहीं चाहते? कि कोई हमारी ईर्ष्या ना करे, द्वेष ना करे, जलसी ना करे, गाली ना दे, मतलब हम आराम चाहते हैं, तो ऐसे ही हम दूसरों के साथ भी करें। इसी नियम के अंतर्गत प्रत्येक धर्म में इंसान प्रत्येक धर्मों में रहते हुए कर्म फल पाता है, चाहे वो ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, गॉड को, राधा स्वामी को माने या ना माने, ईश्वर को इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ईश्वर अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए इंसानों में से ही कुछ व्यक्तियों को, आत्माओं को, चेतनाओं को पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर अपने साधन के रूप में प्रयोग करता आया है, और उनके माध्यम से नियम हैं, गुण हैं, शक्तियों का प्रदर्शन वो किसी सीमा तक करती है। वे महान आत्मा अपने जीवन में क्या करती हैं? बहुत परेशानी सहन करते हुए प्रथम स्थान किसको देती हैं? ईश्वर को। आप किसी भी महान आत्मा को उठा लो, गुरु नानक देव जी की जिंदगी को उठा लो, कष्ट कष्ट परेशानियां झेली गुरु गोविंद सिंह जी को उठा लो, यीशु मसीह को उठा लो, शिरडी के साईं बाबा जी को उठा लो, उन्होंने क्या इतने कष्ट किए, चमत्कार भी किए और सिर्फ ज्ञान कह दिया ईश्वर एक है। अब जब महान आत्माएं ईश्वर को प्रथम स्थान देते हुए समाज में विरोध का सामना करती हैं, तो ईश्वर उनकी भक्ति, सेवा, प्रेम का फल देने के लिए उनका स्थान बनवाती है और वहां पर लोगों को भेजती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। अब इंसान क्या है? स्वभाव से स्वार्थी है। वह स्वार्थवश और अज्ञानतावश उन महान आत्माओं को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम ईश्वर उनको मान लेते हैं। अब भक्त कबीर हुए, हमने उनको ईश्वर मान लिया। भक्त रविदास हुए, उनको मानने वाले पंथी उन्हीं को ईश्वर मान लेते हैं। ईसा मसीह को ही ईश्वर मान लिया। गुरु नानक देव जी को ही ईश्वर मान लिया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं मुझे ईश्वर मत मानो, वाहेगुरु मत मानो। वाहेगुरु की वाणी तो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित की हुई है, तुर दी वाणी है वो। तो यही कारण है आज समाज में अनगिनत भूत प्रेत, देवी देवताओं, वीर पीरों, भगवानों इत्यादि की पूजा हो रही है। वैसे देखिए, भगवान उसको कहा जाता है जो शक्ति अदृश्य से सदृश बनती है, केवल वही भगवान है। लेकिन हम महान आत्माओं को ही भगवान मानने लग गए। भगवान तो वास्तव में एक ही है जो प्रकट हुए थे, भगवान शिव। अब हमने कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दिया समाज में, भगवान राम को भी, राम को भी भगवान का दर्जा दिया। भगवान तो वो होता है जिसमें ईश्वर जिनके शरीर में प्रवेश करके अपने गुणों का, नियमों का, शक्तियों का प्रदर्शन करे, तो वो भाग्यवान होता है। तो उस भाग्यवान शब्द से ये भगवान बन गया। अब देखिए, समाज में जो व्यक्ति दाढ़ी मूछ बढ़ाते हैं, भगवे वस्त्र धारण करते हैं, लोग उसे महात्मा कहते हैं और उनका पूजन लोग करते हैं और मान सम्मान करने लगते हैं। महात्मा का अर्थ क्या है वैसे? महान गुणों वाली आत्मा। महान आत्माओं का मान सम्मान तो होना चाहिए, पर उनकी इष्ट कौन है? ईश्वर है, वही शक्ति जिसको मैं एक बुक में भी पढ़ रहा था, परम शक्ति कहते हैं, जो सृष्टि की रचयिता है और कर्म फल दाता है। परंतु ईश्वर तो, यानी वो शक्ति तो प्रायः इंसान के लिए अदृश्य रहती है, तो उसकी पूजा कैसे करें हम? अदृश्य रूप में ईश्वर को याद करना, उससे प्यार करना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। पूजा के लिए देखिए, तीन चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। रूप होना चाहिए, कि रूप क्या है उसका, स्थान और नाम, ये तीन चीजें पूजा के लिए जरूर होनी चाहिए। ईश्वर क्या करते हैं? इंसान की आवश्यकता के अनुरूप अपने सजीव और निर्जीव चिन्हों को मान्यता देते हैं। अब ये कैसे मान्यता देते हैं? जैसे भगवान ईश्वर ने शिवलिंग को मान्यता दे दी कि जाओ, वैसे तो वो पत्थर है, कि जो इसको पूजा करेगा। पुराणों में भी कहानियां, बेशक वो काल्पनिक है, लेकिन हमें आस्तिक बनाने के लिए कितना बयान किया हुआ है, बखान किया हुआ है शिवलिंग का। अब इन जब ईश्वर इनको मान्यता देते हैं, तो उनके रूपों की पूजा ही वास्तव में ईश्वर की पूजा है। अन्य रूपों में किए गई पूजा का फल, जैसे वीर पीर है, देवी देवताएं हैं, उनका फल मिलता तो जरूर है,
लेकिन वो ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की जो मान्यता प्राप्त रूप हैं कौन से हैं और ईश्वर उन्हें कैसे मान्यता प्राप्त करता है, ये हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। अंततः यही कहना है कि ईश्वर जिसको मान्यता दे दे उसे ही हमें पूजा करनी चाहिए। और नेक कर्म, सद्व्यवहार, दूसरों से प्यार, ये नहीं कि कुंभ के मेले में नहाए और मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं चलता है। दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, ऐसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो, ये जरूर करें। और अब चर्चा हम यही समाप्त करते हुए, इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर करें कृपा करके। धन्यवाद।